अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी का टाइम 12 बजने वाला है और मैं आज सुबह सुबह ही नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत कपड़ा था तो उसको भी मैं धो के डाल दी हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ दुकान के साइड, और दोस्तों आज सासू अम्मा लोग भी घर में नहीं है, उन लोग मार्केट गए हैं कुछ काम से। तो सासू अम्मा बोले हैं कि मेरे आते तक दुकान को देखते रहना, तो मैं जल्दी से नहा धोवा के आ गई हूँ दोस्तों दुकान को देखने के लिए, और इधर दुकान देख लूंगी और तस्बीह वगैरह भी पढ़ लूंगी। ये देखिए दोस्तों, यही है मेरा तस्बीह, तो चलिए दुकान देखते देखते तस्बीह भी पढ़ लूंगी। तो दोस्तों सासू अम्मा बोले हैं कि दुकान को देखते रहना, लेकिन जब से मैं बैठी हूँ तब से तो एक भी ग्राहक नहीं आए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं और तस्बीह पढ़ते रहते हैं, शायद कोई ग्राहक आ जाए। और दोस्तों आज रमजान का 10वां रोजा है और पहला असरा गुजर गया, और कल से रमजान का दूसरा असरा शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तस्बीह पढ़ चुकी हूँ और मेरे को बैठे बैठे काफी ज्यादा लेट हो गया है, तो चलिए अब चलते हैं घर के साइड, घर में भी कुछ काम है। तो दोस्तों मैं अभी दुकान को बंद कर दिए रहती हूँ, अगर कोई ग्राहक आएंगे तो दरवाजा को खटखटाएंगे तो मैं आ जाऊंगी सामान देने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर का काम करने के लिए, और आज मैं फिर से सोच रही हूँ कि चावल का पापड़ बना दूँ। तो दोस्तों मैं 4-5 हरा मिर्चा ले लेती हूँ और पानी और चावल ले लेती हूँ। तो दोस्तों ये रात का चावल है और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी का बना दूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अलीजा लोग के घर में, और घर में मैं मिक्सी चलाऊंगी तो उधर बुलबुल भी सो रही है तो वो भी उठ जाएगी, तो इसीलिए मैं यहीं से पीस के ले जाती हूँ चावल को। तो दोस्तों मैं चावल को ऐसे छोड़ देती तो ये खराब हो जाता, तो इसीलिए मैं पापड़ बना दे रही हूँ। चलिए इसमें हरा मिर्च डाल के और चावल को डाल के अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चावल भी अच्छे से पिसा गया है और चावल देखने में कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम खीर के जैसे। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से सभी चावल को पीस के इकट्ठा कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है अलीजा लोग का घर, और इसमें 4 रूम है और 2 रूम नहीं बनाए हैं, और ये वाला रूम इन लोग का बेडरूम है और इसी में इन लोग सोते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है अलीजा लोग का किचन, अलीजा की अम्मी इसी में खाना बनाते हैं। और अभी इन लोग के घर में बहुत सारा काम नहीं हुआ है, तो अभी इन लोग ऐसा ही इसी में रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक रूम ये रहा, और ये वाला रूम में प्लास्टर नहीं हुआ है तो इसमें सब कबाड़ सब रखे हैं। और ये देखिए दोस्तों, इन लोग का घर का सामने का नज़ारा कैसे दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, चावल भी अच्छे से पिसा गया है, तो चलिए इसको घर में लेकर चलते हैं, फिर स्वाद अनुसार नमक मिला के अच्छे से पापड़ को बनाएंगे। तो मैं पापड़ बनाने के लिए सभी सामानों को अंदर से ले आती हूँ, जैसे कि टेबल, प्लास्टिक, चम्मच, नमक वगैरह। तो दोस्तों चावल के पेस्ट में मैं स्वाद अनुसार नमक और स्वाद के लिए जीरा मिला दी हूँ, और चावल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अभी अभी सासू अम्मा आ रहे हैं मार्केट से, और अभी ये दतुन कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, चावल का पेस्ट कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है और कितना अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों इधर बच्चे लोग बार बार खाने के लिए मांग रहे हैं, लगता है कि उन लोग को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, पापड़ को अब जल्दी से बना लेते हैं, और आज धूप अच्छा किया है तो जल्दी से सूख जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा पापड़ इतना बन गया है और इतना बचा हुआ है, और इतना बनाने के लिए भी नहीं बन रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इतना पूरा आटा को इसमें फैला देती हूँ बराबर, फिर ये सूख जाएगा तो मैं छोटा छोटा इसको तोड़ दूंगी। तो दोस्तों पापड़ बनाने का पेस्ट ज्यादा हो गया और बनाने के लिए जगह नहीं पूर रहा है। और ये देखिए दोस्तों, पूरा टेबल भी फुल हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ पापड़ को बराबर कर दूँ, और जब ये हल्का सूख जाएगा तो इसको मैं छोटा छोटा लाइनों में काट दूंगी। देखिए
देखिए दोस्तों, मैं पूरा पापड़ को अच्छे से फैला दी हूँ। थोड़ा सा इसको मैं सुखा दूंगी, और जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो इसको मैं अच्छे डिजाइन में काट दूंगी। तो चलिए दोस्तों, इसको सूखने के लिए अब छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक से सूखता रहेगा तो मैं कुरान शरीफ पढ़ लूंगी, तब तक से ये हल्का सूख जाएगा। दोस्तों पापड़ वगैरह बन चुका है, अब चलते हैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। और आज सुबह से मैं कुरान शरीफ एक बार भी नहीं पढ़ी हूँ, तो चलिए अब पढ़ लेती हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कुरान शरीफ पढ़ते तक पापड़ हल्का हल्का सूख गया है और ये काटने लायक हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छा डिजाइन में कट कर लेते हैं, फिर पापड़ देखने में भी और अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों, मेरे पास डिजाइन वाला काटने वाला नहीं था, नहीं तो मैं डिजाइन वाला शेप में पापड़ को काटती, तो वो नहीं है। इसीलिए मैं चम्मच से ही काम चला लेती हूँ, सिंपल तरीके से ही मैं पापड़ को काट लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा पापड़ कट गया है, ये बर्फी डिजाइन में कटा हुआ है, तो कितना अच्छा पापड़ दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इसको फिर से सुखा देते हैं और ये कल से उचाड़ने लायक हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, अभी का टाइम लगभग 3 बजने वाला है और मैं आ गई हूँ खेत में मसूर को देखने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मसूर का दाल भी सूख रहा है, तो ये उखाड़ने लायक हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा खाली टाइम है, तो इसका दाल को थोड़ा हम लोग उखाड़ लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा सुखा के इसको पीट के हम लोग इसका दाल निकालेंगे। तो दोस्तों, इस बार हम लोग ज़्यादा मसूर नहीं लगाए थे, ये देखिए थोड़ा सा ही हम लोग इसी खेत में मसूर दाल लगाए थे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं मसूर को दाल को इतना उखाड़ चुकी हूँ, तो चलिए इसको लेकर चलते हैं घर में, और बाकी को हम लोग कल सुबह से ही करेंगे, तब जाके ठीक लगेगा। तो चलिए ले चलते हैं घर में। और दोस्तों, सुबह सुबह करेंगे तो उतना गर्मी भी नहीं लगेगा, और अभी तो थोड़ा धूप किया है तो थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, और सुबह में थोड़ा ठंडा ठंडा भी हवा चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ले चलते हैं घर, फिर सुबह ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतना ही को लेकर चलते हैं घर। और अभी का टाइम लगभग 4 बजने वाला होगा, और शाम का भी तैयारी करना है। और दोस्तों, 4 बजे के बाद टाइम कभी पता नहीं चलता है, कितना टाइम अफ्तारी का टाइम भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं अफ्तारी में क्या बनाऊं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, डेली डेली क्या बनाए कुछ समझ में भी नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, घर में पत्ता गोभी पड़ा हुआ है, तो आज मैं उसका भजिया बना देती हूं, नहीं तो वो भी सूख जाएगा। और दोस्तों, आज मैं अफ्तारी में कुछ ज्यादा नहीं बना रही हूँ, चावल और सब्जी से ही अफ्तारी कर लेंगे उस भजिया से। और दोस्तों, आज मैं बहुत टेस्टी सब्जी बना रही हूँ, जो हम लोग ठंड के दिनों में बरी बनाए थे उसी का सब्जी बनाऊंगी। दोस्तों, आज तो मजा ही आ जाएगा चावल और बरी का सब्जी खाकर। दोस्तों, सब्जी भी बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए अब भजिया को तल लेते हैं। दोस्तों, मेरा पत्ता गोभी का भजिया बनके रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको भी मैं जल्दी से तल लेती हूँ। और दोस्तों, अफ्तारी में मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, सिर्फ चावल और आलू बड़ी का सब्जी बनाई हूँ रात में खाने के लिए, और भजिया बनाई हूँ। अब जा रही हूँ, टमाटर का चटनी बनाऊंगी, फिर हम लोग सभी कोई अजान होगा तो फिर अफ्तारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अफ्तारी के लिए चावल और सब्जी को निकाल लेते हैं, फिर दस्तरखान में रख देंगे। टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है, दतुन वगैरह भी करना है, तो चलिए अब जल्दी से कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, मेरा बरी का सब्जी कितना टेस्टी दिख रहा है। तो दोस्तों, अजान होने ही वाला है, तो चलिए चलिए जल्दी से दुआ कर लेंगे, फिर अजान हो जाएगा तो हम लोग अफ्तारी भी कर लेंगे। तो दोस्तों, आज 10 रोजा कंप्लीट हो गया है, और कल से 11 रोजा हो जाएगा। और दोस्तों, इस बार तो बच्चे भी अच्छे से रोजा रख रहे हैं, आलिया का 6 रोजा कम्प्लीट हो गया और रोशनी का 10 रोजा कम्प्लीट हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।